कहां पर है? ये मान लीजिए अब्राहम की गोद यानी पैराडाइज, फिरदौस है और ये नरक। इनके बीच में जो आप देख रहे हैं ये गड्ढा, और इस गड्ढे को पार करके कोई इधर नहीं पहुंच सकता और इसको पार करके कोई इधर नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बताए से आशीष दे, आमीन। आज हम बात कर रहे हैं अधलोक के विषय में। अधलोक क्या है, अधलोक किसे कहते हैं, आज इसके बारे में हम जानकारी जो है वो प्राप्त करेंगे। अधलोक यानी पृथ्वी के नीचे का भाग, उसको अधलोक कहते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने जो भी है पृथ्वी के नीचे बहुत सी बातों की खोज करी है। पृथ्वी के नीचे कितनी परत होती है, किस परत में कितना पानी है, उसकी स्थिति क्या है, कितनी गैस है, उन गैसों का क्या क्या कार्य है, कैसे मिलती है, बहुत सी चीजें हैं। आपने देखा होगा जब पृथ्वी के नीचे की बात करते हैं, भू विज्ञान अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सी चीजें जो है वैज्ञानिकों ने खोज करके वो निकाली है और भू विज्ञान को तैयार करा है, और हमें पृथ्वी के नीचे बहुत सी जानकारी मिल जाती है। परंतु आज जो है बिल्कुल अलग हटके जानकारी है। और इससे पहले कि मैं अधलोक के विषय में आपको पूरी जानकारी दूं, एक बात बता देना चाहता हूं, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और ये आप जब इस बात को जो सुनेंगे उसके संबंध में जब आप वीडियो भी देखेंगे, YouTube पे बहुत से वीडियो भी पड़े हुए हैं, उन वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बात जो है वो कितनी सही है और कितनी सच है। विज्ञानियों के अनुसार जो है पृथ्वी के अंदर बहुत कुछ है, और 1970 में आप ध्यान दीजिएगा, 1970 में रशिया ने 12 किलोमीटर जो है बहुत गहरा गड्ढा, 12 किलोमीटर बहुत गहरा गड्ढा पृथ्वी के अंदर किया था। ये जो था रशिया की तरफ से या पूरे संसार के अंदर कह लीजिए कि सब पृथ्वी के अंदर सबसे गहरा गड्ढा जो था ये माना जाता है कि अगर किसी ने सबसे गहरा गड्ढा किया है तो वो रशिया के द्वारा किया गया। 12 किलोमीटर तक अंदर जो है वो गड्ढा किया गया है, और आप जानते हैं कि इसमें बहुत से रहस्य थे, वैज्ञानिकों को प्राप्त हुए बहुत से जो रहस्य हैं वो प्राप्त किए। जैसे 7 किलोमीटर खोदने पर जब जो है 2 अरब 80 करोड़ वर्ष पुराना पत्थरों के पत्थर मिले हैं, और उनके बीच में कई प्रकार की उन्हें गैस प्राप्त हुई है, कई प्रकार की गैस प्राप्त हुई है। और 1994 में इसको क्या था, इसको बंद कर दिया गया। इसका बंद करने का रीजन भी था, वो रीजन मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वैज्ञानिकों ने यह भी खोजा कि जो वहां का टेम्परेचर था वो 180 डिग्री सेल्सियस था। 180 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए कितना हो गया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबलने लगता है, और 180 डिग्री सेल्सियस जो था वहां का तापमान था बहुत ही गर्म। इसको बंद करने के बहुत से कारण थे, मगर एक कारण है जो उस समय जो इस बात की चर्चा नहीं की गई थी, बाद में बहुत सी लोगों के द्वारा या बहुत सी चीजों को लेकर जो है इस बात की चर्चा हुई कि वहां से मानव चीखों की आवाजें सुनाई दे रही। अब जो वैज्ञानिक थे जो खोद रहे थे वो डर गए, अब वो डर गए, उन्होंने सोचा कहीं हमने नरक में तो गड्ढा नहीं कर दिया, या नरक के द्वार को तो नहीं खोद दिया, या नरक के द्वार को तो नहीं खोल दिया। वो डर गए इस बात को लेकर, यानी मानव की जो चीखें थी वो सुनाई दे रही थी। अब वो कैसे सुनाई दे रही थी, किस तरीके से सुनाई दे रही थी ये नहीं मालूम, मगर यह है 1994 में उस गड्ढे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, और उसको फिर कभी नहीं खोला गया, और ना कोई रिसर्च उसके ऊपर हुआ है। ऐसी बहुत सी बातें जो हैं पृथ्वी के अंदर जो हैं वह हैं। अक्सर लोगों का कहना है कि पृथ्वी में के नीचे जो है वो नरक बसा हुआ है, पृथ्वी के नीचे भी एक दुनिया है, पृथ्वी के नीचे भी बहुत सी जो और भी रहस्य हैं धार्मिकता के स्तर पर। अब जब हम बात करें तो देखिए कोई किस बात को मानता है या नहीं मानता फर्क इससे नहीं पड़ता, परंतु फर्क इससे पड़ता है कि धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। अब
बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग तो नास्तिक हैं, परमेश्वर को भी नहीं मानते, मगर आप क्या कहोगे उनके बारे में? ये उनकी उनकी इच्छा के अनुसार है, वो मानते हैं परमेश्वर को, नहीं मानते हैं, या वो किसी चीज को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये उनका दृष्टिकोण है, उनकी सोच है, उनकी समझ है। मगर हम किसी की सोच पर क्या कहते हैं, दबाव नहीं डाल सकते हैं। और यही जो चीज है, इस बात को समझने में जो है हमारी सहायता करती है कि सही में धर्मशास्त्र जो है वो क्या कहते हैं पृथ्वी के नीचे के बारे में, पृथ्वी के नीचे निचले भाग के बारे में, जिसको हम अधोलोक कहते हैं। अधोलोक आप देखते हैं, पृथ्वी के ऊपर का जो भाग है वो सात भागों में बटा हुआ है। पृथ्वी के जो ऊपर का भाग है वो सात भागों में बटा है, कौन से? सात महाद्वीपों में बटा हुआ है। अब ये सात महाद्वीप क्या हैं? हमारी पृथ्वी के जो सात महाद्वीप हैं वो इस प्रकार से हैं, एशिया नंबर एक, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे यूरोप, चौथे नंबर पे उत्तर अमेरिका, पांचवें नंबर पे दक्षिण अफ्रीका, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे अंटार्कटिका। ये सात भाग जो हैं पृथ्वी के ऊपर हैं। जैसे पृथ्वी के ऊपर सात भाग हैं, ऐसे ही पृथ्वी के नीचे जो है वो सात भाग हैं। आज मैं जो हूं पृथ्वी के नीचे जो सात भाग हैं उनके विषय में आपसे बातचीत करूंगा, उनके विषय में। बाइबल के अंदर अधोलोक शब्द का प्रयोग जो है बहुत बार आया है। अब अधोलोक का मतलब कब्र भी है, अधोलोक का मतलब कब्रिस्तान भी है, अधोलोक का मतलब नरक भी है, अधोलोक का मतलब पताल लोक भी है। ऐसे बहुत से शब्दों का जो है प्रयोग किया गया है अधोलोक के लिए। परंतु जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, जो इंग्लिश शब्द का प्रयोग हुआ अधोलोक को, जब आप अधोलोक डालेंगे और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो वहां आया अंडरवर्ल्ड, यानी अंदर की दुनिया, पृथ्वी के अंदर की दुनिया। जी हाँ, उसके बारे में अंडरवर्ल्ड शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है पृथ्वी के अंदर की दुनिया है। वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिक तरह से इसे समझाया गया है, परंतु हम जो जो भी सही है, जो वैज्ञानिकों ने बताया, परंतु जो परमेश्वर के रहस्य हैं, जो धार्मिक स्तर पर रहस्य बने हुए हैं, आज उनके बारे में बातचीत करेंगे और उनके बारे में जो है बताएंगे। इस अंडरवर्ल्ड को जो है जब 12 किलोमीटर वैज्ञानिकों के द्वारा गड्ढा किया गया, तो इसी के अंदर से जो आवाजें आई हैं, जो चीजें आई हैं, वो चीजें, सबसे पहली बात क्या है, अक्सर मनुष्य के दिमाग में एक बात रहती है, और वो बात क्या रहती है कि मरने के बाद क्या होता है। बहुत से लोग आत्मा को मानते हैं और बहुत से लोग आत्मा को नहीं मानते, कि मनुष्य के अंदर जो है वो आत्मा नहीं है। कोई कहता सांस है, कोई कहता है जीवन का सांस है, कोई कहता है कि आत्मा है। ये बहुत गहरी स्टडी है, जब आप इसकी बहुत डीपली स्टडी करेंगे ना, तब आपको जाएगा। परंतु मैं इसके संबंध में इसलिए बातचीत नहीं करना चाहूंगा कि ये बहुत लंबा विषय है, कि आखिर आत्मा क्या है। कोई सांस समझता है कि सांस निकल गई, वो विलीन हो गई, कोई कहता है कि आत्मा है, परमेश्वर ने दी थी, परमेश्वर ने ले ली, कोई कुछ समझता, कोई चीजें कुछ समझते हैं। परंतु जो चीज वैज्ञानिकों ने सुनी और जो बात फैली है पूरी दुनिया के अंदर, उसको अनदेखा या नकारा नहीं जा सकता है, कुछ ना कुछ चीज तो है। तो ये जो सात भाग है पृथ्वी के अंदर, उसमें कौन कौन ऐसी आत्माएं या कैसे लोग जो हैं वो रहते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये अधोलोक जो है ये पहला भाग है। जी हाँ, इसके मैंने दो भाग बनाए हुए हैं, और इसलिए आप इसको कंटिन्यू देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि सही माने में परमेश्वर ने जो भी धार्मिक स्तर पर, परमेश्वर ने जो भी क्रियाएं मनुष्य के साथ की हैं, उसका जो सिस्टम है वो सिस्टम कैसा है, जो सिस्टम उसका पृथ्वी के ऊपर दिखाई देता है वही सिस्टम पृथ्वी के अंदर कैसा दिखाई देता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो पृथ्वी के अंदर सबसे जो पहला भाग होता है वो कब्र होता है। जी हाँ, आपने देखा होगा पृथ्वी के नीचे का जो पहला भाग है वो कब्र है, और कब्र जो है, कब्र में इंसान को उस समय रखा जाता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है, और कब्र के अंदर रखने का जो सिलसिला है वो ज्यादातर जो है ईसाई समाज और मुस्लिम समाज के अंदर होता है। वो कब्र के अंदर अपने मुर्दों को दफन करते हैं।
और उसमें जो होती है शरीर रखा जाता, आत्मा नहीं। ध्यान दीजिएगा, शरीर कहाँ है? कब्र के अंदर रखा गया है। ये पहला भाग है। दूसरा भाग जो है बाइबल के अंदर लिखा हुआ है अंधेरे कुंड। जी हाँ, दूसरे स्थान पर आते हैं अंधेरे कुंड। इस अंधेरे कुंड में कौन बंद है? देखिए, हर एक जो है परमेश्वर की ओर से एक सिस्टम दिया गया है, और उस सिस्टम के आधार पर जो है हम बात करें। हम आपको बाइबल के रेफरेंस भी देंगे, ऐसे ही नहीं है कि हम बरबली आपसे बातचीत करेंगे। जो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जो है जो हमसे बातचीत करता है उसके विषय में आप निकाल सकते हैं। दूसरा पत्रस और 2 अध्याय उसका 4 पद मैं पढ़ रहा हूं यहां पर, बड़े ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। जी हाँ, अब इसका एक पद और भी पढ़ लेते हैं। यहूदा, एक ही पत्री है उसकी, और 6 अध्याय जो है वो, सॉरी 6 पद जो है मैं यहां पर पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। यहां लिखा है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। अब यहां देखिए, कौन स्वर्गदूत? परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों की एक सेना बनाई थी, और उस सेना का जो प्रधान था, जिसको आज हम इबलीस के नाम से जानते हैं, वो भोर का तारा था। उसके अंदर जो थी प्रेषण वर्शिप करने का सारा अधिकार था, म्यूजिक सिस्टम उसके अंदर बनाया था। यदि आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो 2 तरीके से आप पढ़ सकते हैं, यशाया 14 अध्याय उसका 12 पद से, और एजेकेल 28 अध्याय आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं। उसके अंदर जो है उस वो करूप था और छा जाने वाला जो था स्वर्गदूत था, परंतु जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा, उसके अंदर घमंड आ गया, वो अपने आप को परमेश्वर के बराबर समझने लगा, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझने लगा। देखिए, स्वर्गदूत हो या मनुष्य हो या कोई भी चीज हो, हर एक चीज परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, परमेश्वर के द्वारा सृजे गए हैं। अब जो चीज परमेश्वर ने बनाई है वो चीज परमेश्वर से बढ़कर कैसे हो सकती है? ये तो बड़ी असंभव वाली बात है। और ये तो सही बात है, अगर हम अपने आप को परमेश्वर से बढ़कर समझने लगे तो हम ये समझ रहे हैं कि हमारे अंदर जो है बहुत ज्यादा घमंड पैदा हो गया, और यही घमंड उस स्वर्गदूत के अंदर था, और जितने स्वर्गदूत उसे सपोर्ट कर रहे थे उन सबको परमेश्वर ने स्वर्ग से निकालकर पृथ्वी के अंदर अंधेरे कुंडों में कैद करके रख दिया। ये कब तक कैद हैं? ये तब तक कैद हैं जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नहीं आता और उन सबका न्याय नहीं करेगा, ये तब तक वहां अंधेरे कुंडों में जो है वो कैद रहेंगे। जी हाँ, तो अधलोक में जो है, अधलोक का जो दूसरा भाग है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर का जो दूसरा भाग है वो क्या है? अंधेरे कुंड, जिसमें वो स्वर्गदूत जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी वो उस अंधेरे कुंडों में बंदी बने हुए हैं, या बंधनों में हैं, या कैद में हैं। तीसरा पॉइंट अब हम आता है, जरा बहुत ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये क्या है? स्वर्गलोक या फिरदौस या पैराडाइज, इसको कहते हैं। अब बहुत स्वर्गलोक जो है वो कहते हैं, बहुत से लोग जो हैं स्वर्गलोक को स्वर्ग समझ जाते हैं, और वो स्वर्ग को जो नीले आसमान के पार है उसको स्वर्ग समझते हैं, और उसको स्वर्ग कहते हैं, और वो कहते हैं कि जितने भी मनुष्य जो पवित्र हैं, जो धार्मिक हैं, और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो बुराई से दूर रहते हैं, वो जो हैं, वो जब उनकी मृत्यु होती है तो वो इस फिरदौस में, स्वर्गलोक में या पैराडाइज में जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो लोग जो हैं, जो पवित्र हैं, जो धार्मिक हैं, और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, और जो पाप से दूर रहते हैं, वो लोग जो हैं वो स्वर्गलोक में या फिरदौस में या पैराडाइज में जाते हैं। ये स्थान जो है पृथ्वी के नीचे है, कैसा है? बड़ा समझने की बात है। अक्सर लोग एक चीज जो है, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, एक चीज जो है लोग अक्सर कहते हैं कि लूका जब 23 अध्याय उसका 42 और 43 पद पढ़ेंगे, देखिए मैं कहीं कहीं पे पूरे पद नहीं पढ़ता हूं, सिर्फ मेन पॉइंट लेता हूं उस पद का समझाने के तौर पे, ताकि हमारा थोड़ा सा समय भी बच जाए। आप रेफरेंस इसलिए देता हूं कि आप घर में आराम से इत्मीनान से पढ़ सकते हैं।
लू का 23:42-43 पद जब आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के साथ दो डाकू भी जो थे वो टांगे गए थे। ठीक है, अब यीशु मसीह के साथ दो डाकू, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि हम किस स्वर्ग की बात कर रहे हैं। नीले आसमान के पार जो स्वर्ग है, जहां परमेश्वर का सिंहासन है, जहां परमेश्वर विराजमान है, या पृथ्वी के नीचे जो है वो एक स्वर्गलोक है, जो वो स्थान है। तो दो डाकू जो थे प्रभु यीशु मसीह के साथ दाहिने हाथ पे और बाएं हाथ पे जो है वो टांगे गए थे। अब एक डाकू जो था वो उसकी निंदा करने लगा और क्या कहने लगा कि तू अपने आप को भी बचा, तू हमें भी बचा और इस पीड़ा से मुक्ति दिला, ये वो बहुत सी बातें करने लगा। मगर दूसरे डाकू ने उसे डांटा, उसने कहा चुप रहे, तू इतना भी नहीं जानता कि हम जो, देखिए वहां पर उसने क्या करा, मन फिराया और पश्चाताप किया। क्या मन फिराया कि तू इतना भी नहीं जानता कि हम तो अपने जो हमने बुरे कर्म किए हैं उसकी सजा पा रहे हैं, ये तो निर्दोष है, इसने क्या कहा। तब उसने एक बात प्रभु यीशु मसीह से कही कि हे प्रभु, देखिए कॉन्फिडेंस था उसे कि ये जो व्यक्ति है इस समय सूली पर जो हमारे साथ चढ़ा हुआ है और मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, ये जो है एक ना एक दिन अपने राज्य में आएगा। एक कॉन्फिडेंस था उसको, पता नहीं क्या दिखाई दिया, उसका राज दिखाई दिया उस सूली के ऊपर उस डाकू को, और उसने कहा जब तू अपने राज्य में आए तो हमारी भी सुधि लेना, मेरी भी सुधि लेना। यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, देखिए यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब यहां पर जो है लोग अक्सर ये समझने लगते हैं कि वो डाकू जो था मरने के बाद तुरंत यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में यानी नीले आसमान के पार चला गया, मगर ऐसा नहीं था मेरे प्रियो, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी। और ऐसी बात क्यों नहीं थी, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूं, मेरे साथ आप एक रेफरेंस निकाल सकते हैं, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं आपकी सहूलियत के लिए कि आप उसको ध्यान करें और उसमें पढ़ें। यूहन्ना की इंजील 20:16-17 पद है। अब यहां 16 और 17 पद क्या है कि मरियम जो थी जब कब्र पर गई और उसने कब्र को खाली देखा और यीशु मसीह जो था वो कब्र में नहीं है, ध्यान दीजिएगा वो कब्र में नहीं है, और यीशु मसीह जो है कब्र में नहीं है, और वो रोने लगी। यीशु जो था मरियम से उसने मुलाकात करी, मरियम ने उसे माली समझा और क्या कहा कि हे प्रभु, अगर तूने मेरे प्रभु को कहीं छुपा दिया है या ले गया है तो हमें बता दे। उसने बड़े प्यार से जब उसे पुकारा मरियम, मरियम ने उसकी आवाज पहचान ली, और आवाज पहचानने के साथ जब वो उसके पास जाना चाहती थी, उसको छूना चाहती थी, देखना चाहती थी, देख तो रही थी मगर छूकर देखना चाहती थी, एहसास करना चाहती थी, तब यीशु मसीह ने वहां पर एक बात बोली, मरियम अभी मुझे मत छू क्योंकि मैं पिता के पास नहीं गया। ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह सूली पर मारा, मरकर जो है वो कह रहा है कि मैं पिता के पास नहीं गया, और ये बड़ी अद्भुत बात है। पतरस अपनी पहला पतरस जब 3 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पर पतरस जो है, आप वहां से 20:21-22 तक पढ़ लीजिएगा, वहां पर कहता है कि वो जो था शारीरिक भाव से तो घात किया गया परंतु आत्मिक भाव से जिलाया गया, और उसी में उसने अधलोक में जाकर पृथ्वी के नीचे स्थानों में जाकर उन कैदी आत्माओं को प्रचार किया या मिला, जो भी बात थी आप जो भी समझते हैं समझ लीजिए। मगर यीशु मसीह जो था, मैं ये कहना चाहता हूं यहां पर कि यीशु मसीह पिता के पास नहीं गया, वो अधलोक में उतरा। और परमेश्वर का वचन जो है स्पष्ट तरीके से इस बात का जो है वर्णन करता है। अब यहां पर जो है ये स्वर्गलोक या फिरदौस या पैराडाइज, ये आखिर है क्या, किसे कहते हैं, और ये पृथ्वी के नीचे स्थानों में इसकी क्या पोजीशन है, इस चीज को देखेंगे। अगर इस चीज को आप जानना चाहते हैं तो आप लूका की इंजील 16:19-31 पद तक बड़े आराम से एक एक शब्द को पढ़िएगा घर पर, मैं यहां पर सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। वहां पर क्या है, धनवान और लाजर दोनों के बारे में वर्णन दिया गया है,
एक धनवान व्यक्ति था और एक लाजर था, लाजर नाम का व्यक्ति था जो निर्धन था। और वो जो था धनवान की व्यक्ति के घर के बाहर या ड्योढ़ी पर हमेशा पड़ा रहता था और जो भी झूठन झाटन बस्ती थी वो उसको खाकर अपना पेट जो था वो भरता था। और धनवान उसे जो है और अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देता था, जैसे मैंने बताया ना कि फिरदौस में कौन जाता है। मगर जो लाजर था उसकी एक आस था, उसका जो विश्वास, उसका जो भरोसा था वो परमेश्वर पे था। ऐसी स्थिति में भी धनवान व्यक्ति मर गया। लिखा है कि धनवान व्यक्ति मर गया तो वो नरक में डाला गया, वहां पर आया पीड़ा, उससे पीड़ा का स्थान उसको कहा गया, यानी वो वहां पर जो है पीड़ा में पहुंचाया गया, उसको पीड़ा हो रही है। जब आप परमेश्वर के इस वचन को पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि जो धनवान व्यक्ति जो मरा वो पीड़ा में यानी नरक में पहुंचाया गया, और जब लाजर मरा तो लिखा है वो अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया। ये अब्राहम की जो गोद है इसको कहते हैं शांति का स्थान। अब्राहम की गोद को शांति का स्थान, या अब्राहम की गोद को पैराडाइस या फिरदौस या स्वर्गलोक कहा गया है। ये वहां पर जो है ये स्थित है। फिर परमेश्वर का जब आप वचन पढ़ेंगे यही लूका 16 अध्याय 19 से 31 तक, तो वहां पर जो है जब धनवान व्यक्ति तड़प रहा है तो वो पुकारता है, हे पिता अब्राहम जो है लाजर को भेज कि वो अपनी उंगली का एक सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ पर रखे, मैं यहां पर ज्वाला से तड़प रहा हूं। अब्राहम वहां पर एक बात कहता है कि तेरे और इसके बीच में एक भारी गड्ढा है। ध्यान दीजिएगा, गड्ढे की बात हो रही है, एक भारी गड्ढा है, ना तो कोई इस पार से उस पार जा सकता है ना उस पार से कोई इस पार आ सकता है। बिल्कुल साफ जो है वो मना कर दिया, कोई उस गड्ढे को लांग नहीं सकता है, कोई फ्लांग नहीं सकता है, कोई पहुंच नहीं सकता है, ना तो फिरदौस से। आप देखिए बात क्या हो रही है, आमने सामने जो है वो चीज है। अब हम कहां पर है ये मान लीजिए, अब्राहम की गोद यानी पैराडाइज, फिरदौस है और ये नरक है, इनके बीच में जो आप देख रहे हैं ये गड्ढा है, और इस गड्ढे को पार करके कोई इधर नहीं पहुंच सकता और इसको पार करके कोई इधर नहीं पहुंच सकता है, किसी की भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं हो सकती है। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि ये जो फिरदौस है यहां पर कौन है, धार्मिक व्यक्ति है। परंतु आज की समय में अगर हम देखें तो ये जगह क्या है, ये खाली हो चुकी है। अब कहोगे कैसे खाली हो गई, क्योंकि हमारे यहां क्या होता है ना, अगर कोई बात होती है बात सुनने से पहले सवाल बहुत से हो जाते हैं, और मैं कोशिश यही करता हूं कि उन सवालों का जवाब भी देता रहूं जो सवाल आपके दिमाग में आते। जैसे मैंने कहा कि वो जगह खाली हो गई, तो आप कहोगे खाली हो गई, फिर वो लोग कहां गए, वो किधर चले गए जो पवित्र लोग थे। अक्सर इंसान के दिमाग में एकदम से क्लिक करता है, चलिए उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। परमेश्वर का वचन जो है जब हम पढ़ते हैं इफिसियों 4 अध्याय उसका 8 और 9 पद, ध्यान दीजिएगा इफिसियों 4 अध्याय उसका 8 और 9 पद, यहां क्या लिखा हुआ है, इसलिए वो कहता है वे ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए, उसके चढ़ने से और क्या क्या पाया जाता है, केवल ये कि वे पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। देखिए जैसा मैंने कहा ना, यहां पौलुस भी कह रहा है, वहां पतरस, सिर्फ पतरस ही नहीं कह रहा है, पौलुस भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि वो निचले स्थानों में उतरा भी था, और लिखा है कि उसके चढ़ाए जाने से बहुत से लोगों को बंधुआई में अपने साथ ले गया। अब भजन संहिता जब 68 चैप्टर और 18 वर्स पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा, तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया। अब प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी वहां पवित्र लोग थे वो अपने साथ स्वर्ग में ले।
अब आप कहोगे कि भाई वो स्वर्ग में ले गया, फिर आत्माएं आएंगी, वो कैसे जीवित होते? वो जीवित होंगे, वो अपने तरीके से जीवित होंगे, उसके बारे में सोचने की वो नहीं है। मगर मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं, और वो रेफरेंस ऐसा है कि यीशु मसीह का जब दूसरा आगमन होगा तो बहुत से लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि वो स्वर्गदूतों के साथ जो है वो आएगा, आकाश के बादलों पर आएगा और तुरही फूंकते हुए आएगा, बस लोग इतना जानते हैं, जहां तक मैंने लोगों से सुना है और जहां तक लोगों ने इस चीज का प्रचार किया है वो सिर्फ इतना किया है। मगर आज एक चीज बताना चाहता हूं, उसमें एक चीज और जुड़ी है, क्या है? आप जकरिया जब 14 अध्याय उसका 5 पद पढ़ेंगे, वहां पर जकरिया क्या कहता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। इसलिए जकरिया जब परमेश्वर के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी करता, मैं पद को पढ़ नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं, है? तब वो क्या कहता है, तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। यानी जब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा प्रभु यीशु मसीह के रूप में, तो सब पवित्र लोग भी उसके साथ होंगे, ठीक? और यदि हम इस बात को मान लेते हैं, बहुत से लोग जो है बहस छिड़ जाती है, डिस्कस करने लगते हैं कि नहीं जब पवित्र लोग उठा लिए गए तो कैसे वो होगा, किस तरीके से होगा, और बहुत से उल्टे सीधे सवाल जो हैं वो खड़े करने लगते हैं, खासतौर से जो हमारे पास्टर वर्ग के लोग हैं, जो मिनिस्ट्री वर्ग के लोग हैं, ये उनके दिमाग में ज्यादा उपज जो है उपजती है, और वो लोगों पर जो है बात को समझने की जगह कंफ्यूजन जो है वो ज्यादा पैदा करते हैं। अगर यही बात है तो मेरा एक सवाल होगा, अगर जिनके मन में इस बात का विचार उठता है तो एक सवाल होगा, जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, आप मत्ती 17 अध्याय भी पढ़ सकते हैं, लूका में भी है, जब उसका रूपांतरण हुआ तो वहां पर दो शख्स जो हैं वहां दिखाई दे रहे हैं, एलिया और मूसा, वो कहां से आए? पृथ्वी में से निकलकर आ गए डायरेक्ट, या स्वर्ग में से आए? और एलिया तो स्वर्ग में जीवित उठा लिया गया था, और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा किसी पहाड़ पर जो है मूसा की कब्र भी बनाई थी, दफन किया था, तो मूसा कैसे जीवित हो गया? वहां पर दोनों लोग दिखाई दे रहे हैं, ये समझने की बात है, कहां से आ रहे हैं? स्वर्ग से आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह से मिलने, और किस बात की चर्चा कर रहे हैं? उसके मरने की चर्चा कर रहे हैं, क्या क्या यातनाएं उसको सहनी है, किस किस तरीके से कहनी है, क्या 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 चीजें होनी है, कौन कर रहा? मूसा और एलिया, किसने भेजा? परमेश्वर ने भेजा उसको प्रभु यीशु मसीह के पास, अपने इकलौते पुत्र के पास, कि जाकर उससे इस विषय में चर्चा करो। तो जब परमेश्वर ने भेजा तो कहां से आया होगा? ये बड़े समझने की बात है। मैं आपको एक पद और पढ़ना चाहूंगा, ये जरा ध्यान दीजिएगा, पहला थर्सनकियों, लास्ट पद है, पहला थर्सनकियों 3 अध्याय उसका 13 पद है, बहुत ध्यान से सुनिएगा यहां क्या परमेश्वर का वचन कहता है, ताकि वे तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। जब सब पवित्र लोगों के साथ आए, जकरिया इस बात का वर्णन कर रहा, पौलुस थर्सनकियों में इस बात का वर्णन कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आकाश के बादलों पर सिर्फ पवित्र स्वर्गदूतों के साथ नहीं, देखिए वहां पवित्र लोग नहीं लिखा, स्वर्गदूतों को लोग नहीं कहा गया, जब स्वर्गदूतों की बात आती है तो पवित्र स्वर्गदूत कहा गया है या स्वर्गदूत कहा गया है, यहां पवित्र लोगों का मतलब मनुष्यों से है। तो ये मनुष्य कहां से आएंगे? वो स्वर्ग से आ रहा है प्रभु यीशु मसीह, तो नेचुरली बात है कि जब वो स्वर्ग से आ रहा है तो स्वर्ग से पवित्र लोग भी आ रहे हैं, स्वर्ग से पवित्र स्वर्गदूत भी आ रहे हैं, उनके साथ आ रहा है। तो फिरदौस जो है वो जगह जो थी वो पृथ्वी के नीचे थी, जिसको स्वर्गलोक या फिरदौस या पैराडाइज कहा गया, वहां पवित्र लोग थे। अब पवित्र लोगों को लेकर जब प्रभु चला गया तो वो उन्हीं के साथ जो है जब उसका दूसरा आगमन होगा तो उनके साथ आएगा। ये अभी 3 भाग थे अधलोक के, चौथे भाग के विषय में
यानी 4 से 7 तक जो है हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दें।